नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी हवा अथवा हाऊ नाम सुना है? सुना तो अवश्य होगा। बचपन में आप भी हवा से डरे होंगे या फिर किसी बच्चे को डराया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आप जिस हवा से डरते थे या फिर किसी बच्चों को डराते थे या फिर है कौन, ये दिखते कैसे हैं? क्या आपने कभी हाऊ बिलाऊ देखा है? यदि नहीं तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में मिलवाते हैं। वैसे तो ब्रिज क्षेत्र तमाम अनूठी घटनाओं के लिए जग प्रसिद्ध है, ऐसे में यहाँ हाऊ बिलाऊ की कहानी को नकारा नहीं जा सकता। असल में जिस हाऊ बिलाऊ या हवा के नाम से हम बच्चों को डराते हैं, वह असल में ब्रिज के राजा कंस के दो अनुचर थे। अब हम आपको बताते हैं इनके प्रसिद्ध होने के पीछे की कथा। धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब राजा कंस द्वारा योगिराज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजा जाता था, तो उस समय नंद बाबा ने राक्षसों से भयभीत होकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें पता चला वृंदावन के समीप मुनि शांडिल्य ऋषि के आश्रम के क्षेत्र में राक्षसों का आना वर्जित है, क्योंकि क्रोध के आदेश में आकर ऋषि शांडिल्य ने राक्षसों को श्राप दिया था कि जो भी उनके आश्रम के क्षेत्र में आएगा, उनके क्षेत्र में आते ही पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। जैसे ही ये बात नंद बाबा को पता चली तो वे अपने सभी ब्रिजवासियों के साथ शांडिल्य क्षेत्र में जा बसे और तभी से नंद गांव की स्थापना हुई। इसी दौरान राजा कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने अनूठे हाऊ और बिलाऊ को नंद गांव भेजा और ऋषि शांडिल्य के श्राप से अनभिज्ञ ये दोनों अनुच्छेद उनके आश्रम क्षेत्र परिसर में विचित्र जानवर का रूप धर जा पहुंचे और श्राप के वशीभूत पत्थर के बन गए। इसी दौरान जब बाल लीलाओं में मुक्त भगवान योगिराज कृष्ण एवं उनके अग्रज बलदाऊ जी अपनी बाल क्रीड़ा करते हुए खेलने निकले, तो वे अपने खेल में इतने मुक्त हो जाते थे कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। ऐसे में माता यशोदा पहले उन्हें ढूंढने के लिए अपने अनुचर को भेजती थी, लेकिन जब वे नहीं आते थे तो उन्हें खुद बुलाने जाया करते थे। और इसी तरह तरह के प्रलोभन देने के बाद भी जब कृष्ण बलराम घर वापस नहीं आते थे तो मैया यशोदा उन्हें पत्थर के बने खतरनाक एवं बेबीज करने वाले राक्षसों हाऊ और बिलाऊ के नाम पर डराया करते थे। और भगवान योगिराज श्री कृष्ण जो समस्त ब्रह्मांड को भयमुक्त करते हैं, वह मैया यशोदा का मन रखने के लिए पत्थर के इन हाऊ बिलाऊ से डर जाया करते थे। तभी से ब्रिज क्षेत्र में ये हाऊ बिलाऊ प्रसिद्ध हो गए और आज भी ब्रिज में लोग अपने बच्चों को विभिन्न क्रीड़ाओं को रोकने के लिए हाऊ बिलाऊ अथवा हवा के नाम से डराते हैं। अब यदि आप ब्रिज दर्शन करने के लिए एक शौक है या ब्रिज में घूमना चाहते हैं तो नंद गांव जाते वक्त इनके दर्शन अवश्य करें। आज भी यहाँ पत्थर की विचित्र मूर्तियां जो मुगल काल के दौरान मुगल शासकों द्वारा खंडित कर दी गई थी, आज भी लगभग 5,500 वर्ष पूर्व के द्वापर युग की याद दिलाती है। हाऊ बिलाऊ नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। भगवान का जन्म मथुरा में जब हुआ तो वसुदेव जी ने उनको गोकुल में पहुंचा दिया और जब गोकुल में कंस के राक्षस जब इनको परेशान करने लगे तो नंद बाबा ने अपने पूरे परिवार सहित कृष्ण बलराम को लेकर यहाँ हमारे यहाँ नंद गांव में पूरे इस नंदीश्वर पर्वत के ऊपर में रहे।